रनिंग लोड ट्रक ट्रैवलर लॉरी कैबिन चिकन बनेगा। एक गांव में एक मछलियों का गोडाउन हुआ करता था। उसमें मछलियां बड़े बड़े कंटेनर्स ट्रक्स में लॉरी में एक्सपोर्ट होते थे। वहां एक लॉरी ड्राइवर हुआ करता था, नाम था लचपति। वो मछलियों से भरा लॉरी लेकर दूसरे राष्ट्र जाता था, वहां उन्हें अनलोड करता था। वहाँ एक रूल था कि ड्राइवर्स बिना रास्ते पर गाड़ी रुकाए चलाया करें, क्योंकि देर होने पर आइस पिघलकर मछलियाँ खराब हो सकती है। इसीलिए इसकी वजह से लचपति जब गाड़ी चलाता था तो उसका असिस्टेंट यानी वो लॉरी क्लीनर कैबिन में ही खाना बनाना शुरू करता था। परोसे हुए खाने को लचपति चलाते हुए ही खाता था। लचपति को रघुपति नाम का एक जुड़वा भाई था। वो दिमाग से थोड़ा कच्चा था। उसे लॉरी चलाने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए भाई से छुपकर लॉरी में बैठकर स्टीयरिंग घुमाता था। अडर, अडर, अरे हटो वहाँ से, हटो भाई हटो। अडर, तेरे डेरे, तेरे डेरे, बाम बाम, अडर। वो देखकर लचपति को गुस्सा आता था। अरे वो बेवकूफ, नीचे उतरो, मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया है। भैंस की तरह बढ़िए हो लेकिन अकल के अंधे हो। माँ पिताजी आप तो बोलिए इसे नीचे उतरने के लिए। यूं कहा तो रघुपति, अडर अडर, अरे रुको रे, क्यों सिर्फ तुम ही चला सकते हो क्या? मैं नहीं, देखो मैं बोल रहा हूँ, मुझे सताया तो तुमको गाड़ी से ठकरा कर मार दूंगा। हाँ यूं कहा सब लोग फिर सर पकड़ लेते थे। एक दिन लचपति सो रहा था, वो देखकर रघुपति, हाँ हाँ सो रहे हो, यही अच्छा मौका है गाड़ी चलाने के लिए। जब देखो तो चलाने की एक्टिंग थोड़ी करूँगा। अडर अडर, ऐसे हकीकत में भी चला सकता हूँ ना। हाँ सोचकर वहाँ मौजूद लॉरी की चाबी ले लिया, बाहर आकर गाड़ी में बैठकर स्टार्ट किया। अडर अडर, रे 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 रे, कहते हुए गियर डालते ही गाड़ी आगे बढ़ी। मन में आए वैसे चलाकर वो गोडाउन तक पहुंचा। वहाँ गोडाउन का मालिक, आओ आओ ठीक समय पर आए हो, लोड चढ़ाकर आराम से गुजरात लेकर जाना है। जानते हो ना गाड़ी को बीच में कहीं भी नहीं रोकना है। यूं कहा तो रघुपति, हाँ क्यों नहीं जानता हूँ, अगर एक बार मैं गाड़ी में बैठ गया तो मैं खुद अपनी बात नहीं सुनूंगा। हाँ आप जानते हो ना ये बात। यूं कहा वो सुनकर क्लीनर और मालिक, ये क्या ऐसे बात कर रहा है, सोचकर पूछे, ये क्या बात कर रहे हो रे? इसलिए कहता हूँ कि रात में ज्यादा मत पियो। ठीक है टाइम हो रहा है, अब निकलो। यूं कहा फिर लोड लेकर लॉरी स्टार्ट हुई। रघुपति लॉरी को मन में आए वैसे चला रहा था। अडर, अडर। एक जगह अचानक जंगल की तरफ जाने लगा। वो देखकर क्लीनर, ये क्या लचपति भाई ऐसे रूट बदल दिया, ऐसे रहा तो लोग को उतरने में बहुत देरी हो जाएगी भाई। कहा रघुपति, ए क्लीनर हो क्लीनर की तरह रहो, कहाँ जाने से क्या आएगा मुझे अच्छे से पता है, हमें गुजरात जाना है बस, वही है ना, तुम मुंह बंद करके बैठो बस। कहा थोड़ी दूर जाने के बाद क्लीनर, भाई लंच टाइम हो रहा है, चिकन तैयार करूं क्या? यूं पूछा रघुपति लॉरी रोककर। हाँ हाँ बनाओ बनाओ, बहुत भूख लग रही है, पहले अर्जेंटली सुसु जाकर आना है। यूं कहा तब क्लीनर, ये क्या है भाई गाड़ी रोक दिया, हम हमेशा रनिंग में ही तो बनाते हैं और खाते हैं ना, वरना लोड को उतरना देरी हो जाएगी भैया, सुसु जाना पड़ेगा सोचकर आप तो पानी कम पीते थे ना। यूं कहा रघुपति उसे एक मारकर, अरे बेटे तब से देख रहा हूँ मुफ्त में सलाद देते ही जा रहे हो और देते ही जा रहे हो, यहाँ प्रकृति बहुत अच्छा है, यहाँ बनाओ चुपचाप, कहकर सुसु करने निकल पड़ा। फिर क्लीनर कैबिन में चिकन बनाया। तो दोनों वहीं बैठकर खाए। रघुपति, अरे वाह आहा क्या बनाए हो भाई, बहुत मस्त है। यूं कहा तब क्लीनर, अब तो निकलते हैं भैया। यूं कहा तब रघुपति, इतना जल्दी क्या है रे तुम्हें, थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर चलते हैं, कहकर सो गया और खराटे मारने लगा।
ऐसे। वो देखकर क्लीनर सर पकड़ लिया। वो पूरा दिन वहां सोता ही रहा। इस तरह वो रास्ते पर लॉरी रोककर सोना और खाना पकवाकर खाना यूं करते हुए पूरा हफ्ता भर सफर करता रहा। आखिरकार गुजरात ढाबा बोर्ड के आगे लॉरी रोका। ए क्लीनर, देखो आ गया गुजरात, उन्हें लोड उतरने के लिए बोलो। यूं कहा तब क्लीनर, ये गुजरात ढाबा है भाई, हमें तो गुजरात राष्ट्र जाना है। क्या लजपत भाई, आप ऐसे कर रहे हो? यूं कहा रघुपति। अरे कौन है रे लजपति, मैं दी ग्रेट रघुपति हूँ। तुम्हारा तय करने से सब हो जाएगा क्या? उस मालिक को सही से एड्रेस देना चाहिए ना। नॉनसेंस। यूं कहा। अगले दिन मालिक और लजपति गाड़ी के पास आए। वे गाड़ी के पीछे का डोर खोलते ही मछलियों के सड़ने की बदबू आने लगी। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग बेहोश होकर गिर गए सिवाय एक के, वो था रघुपति।